मेरे पास बैठे हुए हैं इरफान, और इरफान एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं और इनकी बहन का नाम है शबनम। शबनम पिछले सालों साल से कैंसर से, लंग कैंसर से ग्रसित हैं, और इरफान एक इनोवा, इनकी अपनी इनोवा है जो ये ड्राइवरी करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, उससे इनका रोजगार चलता है। तो महिला विकास अब चूंकि सारे स्टेज का इलाज ये करवा चुके हैं और लास्ट स्टेज में है इनकी बहन का ट्रीटमेंट, और एक किमो में इनका खर्चा लगभग 35,000 से 40,000 रुपया गिर रहा है, मुंबई में ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आप सबका दायित्व बनता है कि अगर आपको महिला विकास मंच के कार्य अच्छे लगते हैं, लोगों की हम अक्सर मदद किया करते हैं, हमने मदद भी किया है और आगे भी इरफान को मदद करते रहेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप इनकी बहन को किसी तरह, हम सब अगर चाह लें तो आपकी बहन को बचा सकते हैं, जान बच जाएगी। मैं अभी दीदी के पास आया हूँ और मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ कि महिला विकास मंच से मदद मिलेगी, और दीदी मदद कर भी रही हैं। बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि महिला विकास मंच के जरिए से आप लोग भी हमारी मदद करें और मेरी बहन का ट्रीटमेंट आगे बढ़ सके ताकि वो अपना जीवन अच्छे से बिता सके। धन्यवाद। स्कैन हमारा महिला विकास मंच का इस पे है, हम सब लोग का दायित्व है कि इसकी, इनकी बहन का जीवन हम बताओ, वो भी एक मेंबर है, हमारी मेंबर है, और अभी ये इतनी बड़ी बात कह दी इन्होंने जिससे पूरे परिवार की जीविका चलती है, ये बोले अब आखिरी इसमें हम ये हवा बेचने जा रहे हैं, हमारे पास आए गाड़ी बेचने जा रहे हैं, लेकिन हमने कहा अभी मत बेचो, पहला क्यूमो 31 मार्च को होना है, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर आपको रियल लगता है कि कुछ नेक काम करना है, इस शबनम को बचाना है, तो एक रुपए का, आपका एक रुपए का योगदान महिला विकास मंच में किसी की जान बचा सकता है। यूं तो मैं कभी आप लोगों से पैसे मांगती नहीं हूँ, लेकिन जब जरूरत पड़े तो आप सबों को मदद करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।